सरकार वर्चुअल रैली के ढोंग से जमीन की एक्चुअल सफाई को छिपाना चाहती है। इस विपदा में सरकार ने किसान, मजदूर और भूखे की थाली खाली रखी है। इसलिए इनकी असंवेदनहीनता के प्रतिकार में 7 जून को हम थाली कटोरा बजा के सरकार को जगाने का काम करेंगे। देखिए, बीजेपी जो है 9 तारीख को उनका जो है डिजिटल कैंपेन जो है डिजिटल रैली करने जा रहे थे, जो आप कह सकते हैं वर्चुअल रैली करने जा रहे थे। हालांकि सुशील मोदी कहते हैं कि रैली नहीं है, लेकिन उनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि रैली है। इन पे भी जो है दोनों कंफ्यूज है। अब देखिए, हम लोगों की जो चिंता है वो गरीबों की चिंता है। जो भूखे जो लोग हैं उनका पेट भरने में हम लोग लगे हुए हैं, जो पैदल जो चल रहे हैं उनके कष्ट को दूर करने में लगे हुए हैं, उनको घर पहुंचाने में लगे हुए हैं। इनको देखिए, नौजवान जो है वो बेरोज़गार हो गया, किसान जो है वो तबाह हो गया। आप देखिएगा, जो भूख से लोगों की मौतें हो रही हैं, गोली से मौतें हो रही हैं, और इस निकम्मी जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार जो है, बीजेपी के जो लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार हो, ये लोगों को अपनी चिंता, गरीबों की चिंता नहीं, बल्कि इनको अपनी भूख मिटाने की चिंता है। सत्ता का जो भूख है वो मिटाने के लिए है। अच्छा होता बीजेपी के लोग बताते, डिजिटल जो चुनाव कर रहे हैं, डिजिटली जो प्रचार कर रहे हैं, तो ये तब करते, डिजिटल का इस्तेमाल करते, भूख को मिटाने में करते, लोगों को पेट भरने में करते, लोगों को घर पहुँचाने में करते। लेकिन ये डिजिटली और जो इन्होंने चुनाव का जो बिगुल जो फूका है और चुनाव की इनको जो चिंता है, ये साफ दर्शाता है कि बीजेपी को अपना भूख मिटाना है, ना कि जनता का भूख मिटाना है। और हम लोग पहले घोषणा किए थे कि प्रतिकार करेंगे, 9 तारीख को डिजिटली जो बीजेपी कर दिए, क्योंकि इनको गरीबों की चिंता नहीं है। हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल मजदूरों के साथ खड़े हैं, हम लोग जो है बेरोजगार नौजवानों के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े हैं, गरीब के साथ खड़े हैं। लेकिन बीजेपी जो है प्रतिकार करने का जो घोषणा किया, जो गरीब अधिकार दिवस का जो घोषणा किया, उसके बाद 9 तारीख से ये 7 तारीख पे आ गए। अगर ये 7 तारीख को बीजेपी के लोग करेंगे तो हम लोग भी 7 तारीख को प्रतिकार करेंगे। इन लोग अपना चुनाव का भूख मिटाएं, हम लोग जो है गरीब के साथ खड़े होकर के गरीब का भूख मिटाएंगे, नौजवानों को जो है उनकी आवाज़ उठाएंगे जो बेरोजगार हो रखे हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाएंगे, किसानों की आवाज़ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से रामजी प्रसाद का रिपोर्ट।